पांच जून की पांच सफल कहानियों में आज हम आपको एक और कहानी लेकर आ रहे हैं, पीपल फॉर एनिमल, जो पर्यावरण के लिए भी जाना जाता है। यहाँ जहाँ बीमार पशुओं की, प्राणियों की, बेजुबान प्राणियों की सेवा होती है, वहीं इस जगह को हरितिमा बनाने का भी समय समय पर प्रयास हुए हैं। एक सक्सेस स्टोरी के रूप में हम आपको आज बताना चाह रहे हैं। हम अगर इसके संपूर्ण क्षेत्र को देखेंगे तो आपको बहुत सारे पेड़ दिखाई देंगे। इन पेड़ों की सुरक्षा, इनका अगर हम 1999 से इस कथा की शुरुआत करें, हमारे साथ अमित जी देवल साहब हैं, लेकिन ये मैं पूरी विस्तार से बताऊं, उससे पहले यहाँ की खूबसूरती, यहाँ की रमणीयता, यहाँ पक्षियों की चहचहाट और यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था पर आपको एक बार कैमरा घुमाना चाह रहा हूँ। सबसे खास बात तो ये है कि ये सामने सिरनवा की वो पहाड़ी है, सिरनवा का वो पर्वत है जहाँ अनगिनत मोर और जिसको कहते हैं जंगली जानवरों का बसेरा रहता है। यहाँ जब मोरों की आवाज़ होती है तो ये मान के चलिए कि वातावरण गूंज उठता है। ये हम इधर देख सकते हैं, बीमार गोवंश और सभी तरह के जिसको कहते हैं जो भी कोई चोटिल हो जाते हैं उनको यहाँ लाया जाता है और उनकी दिल से सेवा होती है। इसलिए हम इसको एक सक्सेस स्टोरी के रूप में आपको आज प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ हम एक चीज़ और देख रहे हैं, वन्य जीव रक्षा राहत स्थल संचालन वन विभाग पीएफए सिरोही। इसकी पूरी जानकारी हम आपको श्री अमित जी देवल साहब के माध्यम से बताना चाहेंगे। हम देख रहे हैं यहाँ हमारी आवाज़ सुनकर कुछ मोर, बड़े खूबसूरत मोर जिसको राष्ट्रीय पक्षी कहते हैं, वो देखिए आप। और अभी जैसे जैसे शाम होगी, सुबह शाम यहाँ मोरों की भरमार होती है। लेकिन आज चूंकि विश्व पर्यावरण दिवस है, पूरा संसार पर्यावरण की चिंता भी करता है और उसके प्रयास भी करता है अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से, तो आज यहाँ बहुत सारा चारा भी डाला हुआ है। यहाँ बीमार गौवंश को चारा मिलता है और ये खूबसूरत वातावरण एक उदाहरण है साहब। मैं इसका एक और परिसर अगर आपको बताऊं, लेकिन सबसे बड़ी बात आज हमारा फोकस है यहाँ जो प्लांटेशन हुआ है, विधिवत प्लांटेशन हुआ है। हम सब जानते हैं इस बात को कि पौधारोपण करना बहुत आसान है, हम बड़ी संख्या में पौधारोपण कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन उनको वृक्ष बनाना ये निसंदेह कठिन कार्य होता है, ये सब हम जानते हैं। आप यहाँ ये बहुत सारा बिखरा हुआ चारा देख रहे होंगे, मेरे मन में भी ये सवाल हुआ था, लेकिन अमित जी ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि इसको हम सुखा रहे हैं, क्योंकि गीले चारे को हम स्ट्रोक नहीं कर सकते, इसलिए इसको सुखा रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि अतिरिक्त चारा आ जाता है। हमारा भारतीय समाज में दान पुण्य की बड़ी भारी एक तरह से परंपरा रहती है, लेकिन हम पुनः इस बात को बता दें, 1999 में यहाँ आप कल्पना नहीं कर सकते एक तरह से ये इस तरह का खूबसूरत नज़ारा 1999 में नहीं था। लेकिन लगातार प्रयासों से हम यहाँ देख सकते हैं एक जिसको कहते हैं आश्रम नुमा, और आश्रम ही है ये एक तरह से, ऋषि मुनियों के आश्रम इसी तरह से होते थे, जहाँ शेर और जिसको कहते हैं गाय एक घाट पे पानी पी सकते थे। इस तरह का वातावरण रहता था, इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी रहती थी। हम अभी एक मोर की आवाज़ सुनी। आप इन स्वच्छंद रूप से विचरण करते हुए मोरों को नज़दीक से देख सकते हैं, ये खूबसूरत पहाड़ी को देख सकते हैं। पहाड़ी में अभी चूंकि बरसात का मौसम नहीं है, लेकिन जब बरसात के दिनों में ये खूबसूरत झरने यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा देते हैं। मैं अगर इधर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो यहाँ बहुत नज़दीक श्री सारणेश्वर महादेव, जो बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत
जिसको कहते हैं जहाँ बड़ी श्रद्धा है, या जो सिरोही के देव हैं उनका यहाँ मंदिर है। ये पूरा हम परकोटा देख सकते हैं, ये पूरी सिरनवा की पहाड़ी जहाँ असंख्य जीव जंतुओं का आसरा है, और इसी की तलहटी में ये चूँकि बना रखा है, ये पीपल फॉर एनिमल का पूरा आश्रम, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। हमारे साथ में अमित जी देवल साहब हैं, ये अक्सर एक सबके जाने पहचाने चेहरे हैं, शिक्षक हैं, लेकिन इनका ये शौक है कि ये सेवा अभी करते हैं। अमित जी, संक्षिप्त में बताएं पीपल फॉर एनिमल की ये पूरी कहानी आप। नमस्कार सबको, पर्यावरण दिवस की शुभकामना जी। पीएफए पहले एक इंग्लिश में नाम था, लोगों को कोई मालूम नहीं पड़ रहा था जी। फिर हमने उनको बताया कि पीपल फॉर एनिमल का मतलब वो समर्पित लोग जो पशुओं की सेवा करते हैं, जो मन से करते हैं, जो दिल से करते हैं, जो आत्मा से करते हैं। तो शुरुआती दौर में हमने यहाँ इतना डेवलप नहीं हुआ था, स्वाभाविक है। अब हम इसको डेवलप वृक्षारोपण के तरीके से कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारी चेयरमैन वो कहती है कि मैं जब आऊंगी जब तुम्हारे कैंपस में 1000 पौधे होंगे। लेकिन जगह भी तो बढ़ानी पड़ेगी उसके लिए। तो अलग से हमने वाड़ाखेड़ा के नज़दीक 25 बीघा जमीन ले रहे हैं, वहाँ पर कोई निर्माण, कोई पत्थर, कोई कंक्रीट, कोई कुछ नहीं करेंगे, केवल पेड़ पौधे, क्योंकि पशुओं को जिंदगी जीने की जो याददाश्त है वो पेड़ पौधों के नीचे जो विचरण करते हैं, धन्य है, वो ही इनका सम्मान है जी, वही इनकी खुशी है जी जी जी। उनको तो 1000 की शुरुआत कब कर रहे हो आप? ये शुरुआत हो चुकी है, ओ, क्योंकि उस जमीन पर अभी हमारे कैमल रेस्क्यू शेल्टर चल रहा है जी। धीरे धीरे हम कैमल रेस्क्यू शेल्टर को डेवलप करके फिर वृक्षारोपण को की ओर ध्यान देंगे जी जी जी। अभी जहाँ खड़े पीएफए जो ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के नजदीक में है, ठीक है, और यहाँ हम करीबन 500 पौधे तो लगा चुके हैं। हाँ, वो दिख रहा है, दिख रहा है। रोड साइड पे 200 पौधे लगा दिए, बिल्कुल, कोशिश कर रहे हैं कि एक एक गिनती में 1000 पौधे यहाँ पर भी हो जाए गिनती। हाँ, में ठीक बात है, ठीक इनको बात लगाना ही हमारा मकसद नहीं, इनको पनपाना भी हमारा मकसद ये, है ये खास बात है, ये और खास इनको जिंदा रखना भी है, तो इसके लिए कमर तोड़ हम मेहनत कर रहे हैं। वो दिख रहा है आपका, दिख रहा है भाई, हम सांवले हो जाए उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हम गर्मी में तपेंगे, हम मेहनत करेंगे। आज हमारे साथ में भाटी साहब भी हैं और हमारे साथ देवड़ा साहब हैं, जो इस पर्यावरण मिशन में हर जगह साथ चलते हैं। देवड़ा साहब, आप क्या कहेंगे आज के दिवस पर, क्या शुभकामना देंगे? दिवस की सभी को शुभकामनाएं जी, और हमारे अमित जी अच्छा कार्य कर रहे हैं, निस्संदेह कर रहे हैं। हमारे नरुका साहब साइकिल पर घूम घूम के कर रहे थे, और आज ये जो वीडियो से इसका जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उसके लिए भी आपको साधुवाद जी जी। और इस दिवस पर हमें वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना चाहिए, सुरक्षा भी करनी चाहिए और संकल्प लेना चाहिए। भाटी साहब, आपकी क्या राय है आज? पहले तो पूरी सभी जिले वासियों को मेरा प्रणाम, आज पर्यावरण दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई जी। और पर्यावरण के साथ अपने ज्यादा छेड़छाड़ करने से ये ज्यादा कोरोना दूसरा हुआ। ये रे वाह 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 वाह, शुरू से ये कोरोना पर्यावरण से छेड़छाड़ भी मान सकते हैं इसको, इससे आप पर्यावरण पर ज्यादा ध्यान देते, ठीक बात है, इससे और मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए शुद्ध हवा की जरूरत होती है। ऑक्सीजन तभी मिलेगी जब आपका पर्यावरण शुद्ध होगा, और पेड़ इतने ही लगा हुए जितना आप उसको, ये जरूरी है, हम बिल्कुल इस बात खूब लगाते हैं, लक्ष्य खूब रखते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत सारे पौधे, बहुत सारे पौधे मर जाते हैं जी। जो पेड़ लगे उनको संरक्षण करें, और नए लगावे उतने लगा जितने आप पाल सके, ठीक है। हम ये मोर की आवाज सुन रहे हैं, मैं उस आवाज के साथ मेरी बात को विराम देता हूँ, लेकिन इतना तय है सिरोही में अनेक संस्थाएं हैं, इसलिए बहुत सारी अपेक्षाएं भी हैं। हम मोर की आवाज सुन के इसको बिल्कुल मधुर आवाज़ जो इससे सुंदरतम पहाड़ी को और सुंदर बनाती है, ये खूबसूरत पीपल फॉर एनिमल का प्रोजेक्ट है। निसंदेह इसमें जिन लोगों ने मेहनत की है वो उनको सभी को साधुवाद है। हम बहुत सारे डंकीज देख रहे हैं, क्योंकि ये
देखो जीव सभी के अंदर ईश्वर ही तो बैठा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जीव ईश्वर का ही अंश है। और जब ये हमारी दृष्टि बन जाती है कि हम हर जीव में परमात्मा को देखना आरंभ कर देते हैं, तो ये मान के चलिए कि परमात्मा की बड़ी कृपा होती है। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन सिरोही टेम्पल्स, ए जर्नी ऑफ सिरोही टेम्पल्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस। मैं राजेंद्र नरुका मेरी बात को विराम देता हूँ, नमस्कार।